पैकिंग चल रही है। जहाँ पर मैं पिछले 8 साल से रह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पर मैंने स्पेंड किया है। हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ, लेकिन इस बार की जर्नी थोड़ी अलग होने वाली है। इस बार की जर्नी में मैं अलग होने वाला हूँ, बिकॉज आप जहाँ कहीं पर भी रहते हो, हम इंडियन कल्चर से आते हैं और जहाँ कहीं पर भी रहते हैं हम उसे अपना घर बना लेते हैं। आज इस जगह को मैं छोड़कर जा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रही है हमेशा से, और यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। आ गया मैं एक नई जगह पे, सारा सामान अब वहाँ से यहाँ आ चुका है, शिफ्ट हो चुका हूँ कम्प्लीटली। काफ़ी अलग लग रहा है और एक्साइटमेंट है एक नई जगह की। काफ़ी अलग होगा ये एक्सपीरियंस। जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ पे आई वुड एवर हैव बीन, और काफ़ी अजीब भी लग रहा है, काफ़ी अकेला फील कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के लिए। पर आई नो ये कुछ टाइम के लिए, और ये जो भी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, और बस यही जर्नी है मेरी छोटी सी। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी का एकमात्र जो लक्ष्य है, जो पार्ट है, दैट इज़ अ चेंज। बाय द वे, लेट मी टेल यू अबाउट दिस स्पॉट। ये वो स्पॉट था जो मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक दिस स्पॉट वेरी मच। यहाँ पर बैठता हूँ तो मेरे यहाँ पर तीनों तरफ विंडोज़ है ना, तो जब ओपन करता हूँ तो एकदम ऐसे एक अलग सी वाइब आती है। यहाँ से प्लेन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये एक दिक्कत है जो शायद वक्त के साथ सुधर जाएगी। और जीवन में जब कभी भी ऐसा कुछ फैसला करना होता है तो मन बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ होगा। आई नो कुछ चीज़ें अच्छी होगी, कुछ चीज़ें बुरी होगी, लेकिन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को ना बदलने दूँ। मैं जैसा मैं सोचता था, जिस हिसाब से मैं सोचता था, जैसा मैं काम करना चाहता था वैसा करूँ। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है, और बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। रास्ता लंबा है, और ये एक जगह जो मैंने सोची है कि उस रास्ते में मेरी हेल्प करेगी, उस जगह पे पहुंचने में मेरी हेल्प करेगी। थोड़ा सा कुछ जर्नी शेयर की है तो प्लीज़ बताना कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, आप लोग अपना इतना कीमती वक्त दे रहे हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत कुछ आएगा, तब तक के लिए